हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम। वेलकम माई चैनल। आज मैं फेस वॉश की रिव्यू देने जा रही हूँ। और आज तो थंबनेल देखकर वैसे भी आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाओ वाओ की फेस वॉश है, जिसे मैंने 20 से 25 दिन हुए लगाए हुए, और ये मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और ज़्यादा बातें ना करती हूँ, वो इसके इस प्रोडक्ट में क्या क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तो फिर आगे बात करती हूँ कि ये क्या क्या असर करता है। तो देख सकते हैं, तो मैं बात करती हूँ इसके पहले पैकेजिंग के बारे में। ये था एक कार्डबोर्ड पैक में पैक था, उसे मैंने फेंक दिया है, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं रख कर क्या करती। लेकिन इसमें भी कुछ मेंशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो वाओ साइंस स्किन साइंस एप्पल साइडर विनीगर फॉर्मिंग फेस वॉश लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालय एलोवेरा एक्सट्रैक्ट विटामिन B5 एंड ई विटामिन B5 एंड ई है। और इस वाव प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसमें नो पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन एंड कलर किसी भी तरह की कोई केमिकल नहीं है, इसलिए ये मुझे और भी अच्छा लगा। और इसे मैं अपने हर फेस वॉश से ज़्यादा इसे यूज़ करती है। दो तीन और भी हैं लेकिन मैं इसे यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा देखते हैं छोटू से। और इसे मैंने यूज़ किया है, 20-25 डेज हो रहे होंगे। और ये काफ़ी थोड़ा दिखेगा, इतना थोड़ा, इतना अभी ख़त्म हुआ है। और इसका दाम है 399, और 399 ये कुछ ऑफ़र पे चल रहे थे तो मैंने इसे परचेस किया है purple.com से। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर और भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, उस सब पे भी मिल ही रहे होंगे। कभी कभी ऑफ़र रहती है तो मैं ऑफ़र पे ही इसे लिया, तो काफ़ी मुझे डिस्काउंट पे मिला है। और इसकी वैलिडिटी है 2 साल की है, 2021 अगस्त में ये एक्सपायर होगी, लेकिन ये आपका एक्सपायर डेट से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसे मैं तो जब भी ये ख़त्म होती है, मेरी दूसरी शीशी है, बोतल है, मैं हमेशा जब भी मेरी जब तक मेरे कॉपी में जब तक दूसरी फेस वॉश मुझे अच्छी सी कोई ना मिले तब तक मैं तो इसे ही यूज़ करते रहूँगी। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है, ये देखिए ये ब्रश बहुत बहुत अच्छी, देखने में भी आपको ये हार्ड लग रहा हो लेकिन ये हार्ड है नहीं, काफ़ी सॉफ्ट है, ये झुकती भी नहीं है। और ये हमारा डीप क्लीन करती है और फोर्स को टाइट करते हैं। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है जिनकी जिनकी प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होती है। वैसे तो मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्स टाइट करता है, डीप क्लीन करता है, और आपका फेस हमेशा से लगाने पे ग्लो करता है, जो मैं हमेशा इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसे यूज़ करें। एक डेमो के साथ मिलती हूँ अभी आपको, तो अभी आपको एक डेमो करके मैं दिखाती हूँ। और उससे पहले है कि आप अपने जितने भी बाल है सब हेयरबैंड से ऊपर की तरफ कर ले। ऐसे और फेस को किसी भी पानी से, सिंपल पानी या रोज़ वाटर से एक बार धो ले, लगा ले, कुछ भी कर ले। तो ये देखिए ये फॉर्म बेस से निकल रहा है, जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में निकालेंगे और धीरे धीरे धीरे
पूरे फेस पे एंड नेक पे हम ये इसे मसाज 2 मिनट तक इसे मसाज करनी है। इसी से हमारा पूरा फेस क्लीन हो जाएगा और पोर्स टाइट हो जाएंगे। जो भी आपकी धूल मिट्टी से जो गंदगी हो गई है कहीं बाहर से आप अगर आप आए हैं तो इसे मेकअप रिमूव करके और इससे फेस वॉश भी कर लग से। फेस वॉश करने के बाद आप टोनर मॉइस्चराइजर कुछ भी लगा सकते हैं। धीरे 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 सर्कुलर मोशन में इसे आप इस तरह मसाज करते हुए 2 मिनट तक ऐसे ऐसे करनी है। उसके बाद आप सिंपल वाटर से फेस वॉश कर सकती है। इसमें इसकी खासियत ये किसी भी तरह किसी केमिकल नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट मुझे काफ़ी हद तक पसंद आती है। इसे टॉप 10 में इसे मैं तो जगह दूंगी। और मैं मुझे अगर कोई बोले कि इसे कितने मार्क्स आप दोगे तो मैं 100 में 100 मार्क्स इसे दूंगी। और इसमें कैप दी हुई है, ये है कैप इसकी, ताकि आप फेस वॉश करने के बाद इसे लगा करके आप इस कैप से फिर से कवर कर दें, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई कीट कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह नहीं जा सके। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीन मैं फेस को कर रही है। और मैं मेकअप के तौर पे मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ एक क्रीम लगाया था। और आप देखेंगी कि इसे वॉश करने के बाद क्या मेरे फेस पे किस तरह की ग्लो आती है। और अगर किसी भी एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो उसे भी ये दूर करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश करके आ गई हूँ। एक अच्छी सी प्यारी सी साइन आ गई है मेरे फेस पे और फेस ग्लो कर रही है। और कुछ दाग धब्बे भी यदि हैं किसी के तो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। बिल्कुल कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा मैं फेस वॉश कर लिया और कितनी अच्छे से साइन आई है मेरे फेस पे। और अभी किसी भी तरह के मेरे फेस पे मेकअप नहीं है। और अब थोड़ी देर के बाद मैं कुछ भी लगाऊंगी, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये फेस वॉश एक बार ज़रूर यूज़ करें, तभी आप बताएंगे कि हाँ अच्छा है या नहीं अच्छा है। और मेरी डायरी में तो जब तक मुझे इससे अच्छा कोई फेस वॉश नहीं मिलेगा तब तक मैं इसी को लगाऊंगी। यही वाओ एप्पल साइडर विनेगर है, यही मैं इसे ही यूज़ करूँगी। इसका एक और आया है उबटन है, सेम चीज़ है सिर्फ उसमें उबटन है। और जब मैं उसे यूज़ करूँगी तब मैं उसकी भी रिव्यू ज़रूर आपको दूँगी और फिर उसकी भी क्या खासियत है फिर मैं आपको बताऊँगी। इसलिए तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप ये फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद आप खुद पे अपने फेस पे जो निखार आएगी ग्लो आएगी आप खुद देख सकते हैं और आपकी हर लोग तारीफ़ करेंगे। तो आप ये फेस वॉश ज़रूर से ज़रूर लें। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको ये फेस वॉश कैसा लगा। एक चीज़ और, मैंने एक नया नेल पेंट लगाया और आपको एक कैसा लग रहा है, इसकी कलर कैसी है। और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइट है और लाइट कलर तो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने हाथों पे आज लगाया है। और अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फेस वॉश की भी दे दूँगी। और भी अगर किसी तरह की वीडियो आप चाहती हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको
जरूर उस चीज़ पे वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ये कलर तो मैंने आपको पास से दिखाया नहीं, ये देखिए ऐसी है ये। इसकी लिंक मैं जरूर दे दूंगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और थैंक यू, बाय।